हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेस्ड होगा, जो आपको आने वाले CCL के ओवर माइनिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। यह वीडियो काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने CCL के एनुअल रिपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो कि बेस्ड थी 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने से पहले, अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वी आर इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल, और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पर आपको मिलेंगी अट्रैक्टिव कोर्सेज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेज, और साथ ही साथ इस वीडियो की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हमेशा की तरह देर ना करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड या कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडियरी होने के अलावा एक मिनी रत्न कंपनी भी है, जो कि कोकिंग और नॉन कोकिंग दोनों तरह के कोयलों का उत्पादन करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की, यानी इसके एस्टैब्लिशमेंट डेट की, यानी इसके स्थापना की। तो CCL की स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई थी, यानी 1 नवंबर 1975। ये वही साल है जिस साल विश्व इतिहास में सबसे पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है रांची में, और लोकेशंस की बात की जाए कि ओवरऑल जो CCL है वो किस राज्य में फैला हुआ है, तो वह झारखंड राज्य में फैला हुआ है। बात अगर इसके CMD की करें तो इनके CMD हैं श्री गोपाल सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टारगेट प्रोडक्शन की, यानी इसे 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में कितना कोयला प्रोडक्शन करने का टारगेट दिया गया था। तो इसे 77.000 मिलियन टन का टारगेट दिया गया था, जिसमें अंडरग्राउंड से 0.637 मिलियन टन का टारगेट था और ओपन कास्ट से 76.363 मिलियन टन का टारगेट था। और अगर बात आती है इसके एक्चुअल प्रोडक्शन की, कि इसने 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कितना एक्चुअली प्रोडक्शन किया है कोयला का, तो इसने 66.889 मिलियन टन का कोयला का प्रोडक्शन किया है, जिसमें अंडरग्राउंड से 0.703 मिलियन टन और ओपन कास्ट से 66.186 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। सिमिलरली अगर बात करते हैं इसके टारगेट ओवरबर्डन रिमूवल की, यानी इसे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कितना ओवरबर्डन हटाने का टारगेट दिया गया था, तो इसे 108 मिलियन मीटर क्यूब का टारगेट दिया गया था। और अगर बात आती है इसके एक्चुअल ओवरबर्डन रिमूवल की, यानी इसने एक्चुअली में 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में कितना ओवरबर्डन हटाया है, तो इसने 103.356 मिलियन मीटर क्यूब ओवरबर्डन हटाया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं OMS के बारे में, यानी आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट, OMS जो प्रोडक्टिविटी दर्शाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टारगेट OMS की, यानी इसे 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में कितना OMS का टारगेट दिया गया था। तो इसे ओवरऑल 8.56 टन्स का टारगेट दिया गया था, जिसमें अंडरग्राउंड से 0.42 टन्स और ओपन कास्ट से 10.19 टन का टारगेट था, जिसके जवाब में एक्चुअल में OMS रहा 8.490 टन्स, जिसमें अंडरग्राउंड में इसने जो इसे टारगेट दिया गया था उसको सरपास करते हुए 0.540 टन जो है अचीव किया है, और ओपन कास्ट में 10.060 टन्स अचीव किया है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भले ही CCL ने अपना टारगेट OMS ओवरऑल का जो उसे मिला था अचीव नहीं कर पाया है, बट अंडरग्राउंड का जो टारगेट OMS था उसे सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एवरेज मैन पावर की। तो एज ऑफ 31st of March 2020 CCL का एवरेज मैन पावर रहा 38,695। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेस्क्यू स्टेशन की, कि इसका रेस्क्यू स्टेशन कहाँ पे है। तो इसका रेस्क्यू स्टेशन है रामगढ़ जिले के नयसराय में। नेक्स्ट बात करते हैं HEMM पॉपुलेशन की, यानी HEM की कितनी संख्या है CCL में। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे सॉवेल, डंपर, डोजर और ड्रिल के बारे में। तो सॉवेल की संख्या एज ऑफ 31st of March 2020 95 है, डंपर की संख्या 366 है, डोजर की संख्या 164 है और ड्रिल की संख्या 118 है। टोटल मिलाकर 743 HEM की पॉपुलेशन है।
नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग वर्कशॉप के बारे में। तो टोटल CCL के पास 6 वर्कशॉप हैं, 1 सेंट्रल वर्कशॉप है और वहीं 5 रीजनल वर्कशॉप है। सेंट्रल वर्कशॉप बरकाकाना में स्थित है, वहीं 5 रीजनल वर्कशॉप चारंगडी, थप्पन नॉर्थ, डकरा, गिरिडीह और बुरकुंडा में स्थित हैं। बात करें इसके टोटल नंबर ऑफ एरियाज़ की तो CCL के टोटल 13 एरियाज़ हैं, जिसमें गिरिडीह इज़ द लेटेस्ट वन। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग वॉशरीज के बारे में। तो CCL के पास टोटल 7 वॉशरीज हैं, जिसमें 4 कोकिंग कोल वॉशरीज हैं एंड 3 नॉन कोकिंग कोल वॉशरीज हैं। हालांकि स्वांग का कोकिंग कोल वॉशरी और गिद्दीए और करगली का नॉन कोकिंग कोल वॉशरी फिलहाल ऑपरेशन में नहीं है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके सेंट्रल हॉस्पिटल्स के बारे में। तो CCL के पास टोटल 4 नंबर ऑफ सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल गांधीनगर, सेंट्रल हॉस्पिटल रामगढ़, सेंट्रल हॉस्पिटल धोरी और सेंट्रल हॉस्पिटल नॉर्थ करनपुरा। तो जाते जाते हम लोग एक और हाईलाइट के बारे में जान लेते हैं CCL के रिगार्डिंग। CCL के चूरी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में कंटिन्यूस माइनर की शुरुआत हो चुकी है ऑन हायरिंग बेसिस, जिसकी शुरुआत 24 मार्च 2019 को ही कर दी गई थी। कंटिन्यूस माइनर की इनिशियल हायरिंग 9 सालों के लिए की गई है। तो बस आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको माइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। टू टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।